हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर बस व ट्रोले में भीषण भिड़ंत, हादसे में 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत। बाड़मेर में शुक्रवार देर रात कुशल वाटिका के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें विशोई समाज के लोग लोहावट जात देकर धोरी मन्ना लौट रहे थे। धोरी मन्ना क्षेत्र के सावा गांव से एक ही परिवार के 16 से 18 लोग लोहावट जात जाने गए थे, जो कि वापसी में बाड़मेर शहर के कुशल वाटिका के पास सामने से आ रही रोडवेज बस से भीषण भिड़ंत के शिकार हो गए। हादसा इतना भीषण था कि ट्रोला 2 टुकड़ों में बट गया। टक्कर के बाद लोग दूर दूर तक जा गिरे। हादसे में बोलेरो वाहन में सवार सरिता पत्नी ओम प्रकाश निवासी सदराम की बेरी, बाली देवी पत्नी मोहनलाल निवासी भवार, भवरी देवी पत्नी श्रवण, पप्पू देवी पत्नी बाबूलाल निवासी सावा की मौत हो गई, जबकि बाबूलाल पुत्र जगमाल निवासी सावा, ओम प्रकाश पुत्र सुजाना राम निवासी सावा, प्रवीण कुमार सुजाना राम निवासी सावा, सिंगारी पत्नी माला राम, हीरो देवी पत्नी सुजाना राम निवासी सावा, बुद्धराम पुत्र केसरा राम निवासी सदराम की बेरी, रामेश्वरी पत्नी बाबूलाल निवासी गडरा रोड, मिर्गा पत्नी अन्ना राम निवासी पूनासा, भजनलाल पत्नी सुखराम विशोई सावा, श्रवण पुत्र सुजाना राम निवासी सावा गंभीर घायल हो गए। गंभीर घायलों को राजकीय अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलने पर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु, बाड़मेर SP आनंद शर्मा, ADM OP विशोई, SP नरपत सिंह, DSP आनंद सिंह सहित कई पुलिसकर्मी राजकीय चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का उपचार शुरू करवाया। बाड़मेर पुलिस द्वारा घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। मृतकों के शवों को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर की मोचरी में रखवाया गया है। क्या हुआ है, क्या हादसा है आपके यहाँ? देखिए, सिटी के पास ही महादेव पेट्रोल पंप है, उसके पास बोलेरो कैंपर में एक ही परिवार के 18 लोग जोधपुर लोहावट से अपने गांव साता जा रहे थे और एक रोडवेज बस से उनकी हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिस वजह से 4 महिलाओं की ऑन स्पॉट डेथ हुई और करीब 10 लोग इंजर्ड हुए। इंजर्ड में से एक थोड़ा सीरियस था, जिसको जोधपुर रेफर कर दिया है और 9 का यहाँ पर बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में अंडर ट्रीटमेंट है। अभी आप सर कलेक्टर साहब और आप भी आए, देखा उनकी स्थिति अब ठीक है जो बनती है? जो यहाँ पर है वो सब स्थिति ठीक है, कलेक्टर साहब ने निर्देश दे दिए हैं उनके अच्छे इलाज के लिए और कल एक बार हम लोग वहाँ मौका विजिट करेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई रोड इंजीनियरिंग का डिफेक्ट या किसी करेक्टिव मेजर से अगर भविष्य में वहाँ कोई एक्सीडेंट को हम रोक सकें तो कल वहाँ पर भी एक बार जाएंगे। सर बस वाले भी कोई घायल हुए हैं? नहीं, बस में कोई घायल नहीं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।